लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण। नहीं महाराज, आप ज्येष्ठ हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर आपका अधिकार था। आपकी दृष्टिहीनता के कारण यह अधिकार मुझे मिला था, परंतु विधि को यह स्वीकार नहीं था। यह अधिकार आपको सौंपता हूं भ्राताश्री। आज से आप हस्तिनापुर के सम्राट हुए। पांडु, भ्राता पांडु, पांडु नहीं, भ्राता पांडु नहीं। हमें ये राजमुकुट, हमें ये राज्याधिकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भ्राता पांडु, नहीं चाहिए। आप हमारे साथ हस्तिनापुर चलिए, आप हमारे साथ हस्तिनापुर चलिए भ्राता पांडु। भ्राता श्री, संकोच न कीजिए, आप हस्तिनापुर के सम्राट हैं, हस्तिनापुर के सम्राट। बोलिए हस्तिनापुर सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की जय। हस्तिनापुर सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की जय। हस्तिनापुर सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की जय। आप परम त्यागी हैं महाराज पांडु। मेरे मन को शांति मिल गई भाभी श्री। अब मैं शांति से एकांत में अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूंगा। कृपया कर आप लोग जाइए। नहीं स्वामी, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। मैं आपको और दीदी को छोड़कर नहीं रह सकती स्वामी। यहीं रहकर मैं दोनों की सेवा करूंगी। नहीं, एक अभिशप्त पति के साथ रहना तुम दोनों के लिए कदापि उचित नहीं है। कृपया कर राजमहल लौट जाओ, जाओ। स्वामी, स्वामी, छाया क्या कभी शरीर से अलग हुई है? स्वामी, एक आर्य स्त्री अपने पति से अलग होकर जीवित नहीं रह सकती स्वामी। दोनों की विनती स्वीकार कीजिए महाराज पांडु। स्वामी, स्वामी आप भी तो कुछ कहिए ना। मैं तो स्वयं भ्राता पांडु को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं इनसे कैसे कहूं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। भ्राता पांडु, भ्राता श्री, अभी अभी आपने राजमुकुट पहनाकर हमें हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया है। अब इसे चाहे अपने अग्रज का आदेश मानिए या राज्यादेश, कुंती और माद्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। दोनों महारानियां आपके साथ ही रहेंगी, यही हम सबकी इच्छा है। भ्राता श्री। पांडु। राधा, ओ राधा। किसका रथ है बापू? हमारे महाराज धृतराष्ट्र का। बड़ा सुंदर है। सुंदर है ना, देखो देखो देखो। राधा, ओ राधा। भैया रथ पे चढ़ जाओ। चढ़ो भैया, शीघ्र चढ़ो और ऊपर चलाओ भैया। वो देखो कहाँ चल रहा है। तुम्हें ये रात अच्छा लगा? हाँ बापू, बहुत अच्छा है। तो फिर चला क्यों नहीं रहे हो? अरे आप भी, ये अभिरथ कैसे चला सकता है? राधा, यदि तुम कर्ण को दिव्य रथ चलाते हुए देख लेती तो बस देखती रह जाती। अच्छा? हाँ। अरे पुत्र, तुम चला क्यों नहीं रहे हो? बापू, आपने आज्ञा ही नहीं दी। अरे हमने कब रोका है, हम तो केवल रथी है। तुम तो महारथी हो, महारथी कर्ण। ले जाओ इस रथ को। भैया मैं भी चल।
संभल के। शार, जल्दी आओ, विक्रत और देश। रुको भैया, रुको भैया, भैया रुको, भैया रुको, रुको भैया, रुको भैया, भैया रुको। विक्रत, चिल्लो, चिल्लो, और देश, और देश, और देश, छुआ मुझे, रुको भैया। शार, विक्रत, शार, विक्रत, उठो शार, उठो। भैया मैं भी आपके साथ रथ पे चढ़ूंगा। भैया मैं भी। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो 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 शॉर्ट, चलो। भाग्य की ढाल से एक कायर अपनी रक्षा करता है पांडु। तुम जैसा राज पुरुष नहीं, एक ऋषि के शाप से तुम इतने विचलित हो गए कि कुरु वंश की मर्यादा प्रतिष्ठा सब भूल गए। तुम ये भी भूल गए कि तुम सम्राट हो, हस्तनापुर के सम्राट हो। ये मेरी विवशता थी पितामह। विवशता? कैसी विवशता? नहीं पांडु, नहीं, पराक्रमी सम्राट कभी विवश नहीं होता। तुम में इच्छा शक्ति की कमी है। तुमने वही किया जो हम कदापि नहीं चाहते थे। एक शापित व्यक्ति और कर भी क्या सकता है पितामह? ऋषि के शाप से तुम राज्याधिकार से वंचित नहीं हो रहे थे पांडु। कदाचित तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम्हें हस्तिनापुर का सत्ताधिकार सौंपने के पीछे हमारी एक स्पष्ट सोच थी। सत्ता संचालन के लिए प्रखर दृष्टि चाहिए। दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, उसे राजकाज में कई समस्याएं आ सकती हैं। इसे समझने का तुमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया और स्वेच्छा से उसे राजमुकुट पहना दिया। आप मार्गदर्शक हैं पितामह। आपके रहते भ्राताश्री को कठिनाई कैसे हो सकती है? राजकाज में हस्तक्षेप करना हमारा धर्म नहीं है पांडु, ये तुम भली भांति जानते हो। तुम्हें अपने निर्णय पर पुनः विचार करना होगा। आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु क्षमा चाहूंगा पितामह। मैंने शिव साधना का निर्णय लिया है, यदि मैं यह ना कर पाया तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा पितामह, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हारी शिव साधना में बाधा नहीं डालना चाहते पांडु, परंतु इतना अवश्य स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम शापित हो, तुम्हारे दोनों महारानियां नहीं, मात्र तुम्हारे कारण वे असमय राज सुख से वंचित हो रही हैं। क्या इसका ज्ञान है तुम्हें? क्षमा कीजिए पितामह, इन्होंने तो हमसे राजमहल लौट जाने को कहा था, किंतु हम ही स्वेच्छा से अपना कर्तव्य पालन कर रही हैं। हमें स्वामी के साथ रहकर इनकी सेवा करने की आज्ञा दीजिए पितामह। मैं निरुपाय हूं, विवश हूं, मुझे क्षमा करें पितामह। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो यही सही, परंतु ये भी सुन लो, तुम्हारी यही विवशता भविष्य में हस्तनापुर के लिए संकट का कारण बन सकती है।
अरे रुको, वो देखो कर्ण कैसे रथ चला रहा है। हाँ हाँ आओ भैया, आगे चलाओ। इसने ऐसा रथ चलाना कब सीखा? अरे सारथी का पुत्र जो है, उसका पुत्र थोड़ी है। पता है, गंगा मैया से वरदान में मिला है। हाँ हाँ गंगा मैया से मिला है तो होनहार तो होगा ही। क्यों चुप? अरे ये तो राधा का पुत्र कर्ण है। कर्ण मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दीदी मैं आपको शाम को नया मटका दे दूंगा। बड़ा आया मटका देने वाला। भैया आते चलाओ। अमंगल में भी मंगल निहित होता है जिसे हम समझ नहीं पाते और धैर्य खो देते हैं। तुम अवश्य ब्रह्महत्या के दोषी हो, परंतु ऐसी स्थिति में तुम्हें धैर्य से कार्य करना होगा। परिणाम अशुभ नहीं होगा वत्स। किंतु गुरुदेव, किसी भी स्थिति में मैं संतानहीनता के शाप से तो मुक्त नहीं हो सकता। यह तुम्हारा भ्रम है वत्स। किंदिम ऋषि ने प्राणांत के पूर्व जो शाप दिया था वो भ्रम कैसे हो सकता है गुरुदेव? यही तो हम तुमसे कहने आए हैं। तुम शाप से इतने भयभीत हो कि संतान की कल्पना तक नहीं कर सकते। परंतु क्या गुरुदेव, स्पष्ट कीजिए, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव। तुम संतान के लिए विचार कर सकते हो, तुम्हारी शिव साधना अवश्य सफल होगी। परंतु कैसे गुरुदेव, कैसे? ये रहस्य तो महादेव भोले शंकर भगवान शिव ही जानते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। देवाधिदेव की कृपा से ही हम तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने आए हैं। क्या ये सत्य है गुरुदेव? तो क्या मैं पितृसुख प्राप्त कर सकूंगा? हम भूलवश भी असत्य नहीं बोलते पुत्र, तुम्हें पितृसुख अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारी दोनों महारानियां माता बनेंगी, ये विधि का विधान है। तो क्या किंदिम ऋषि का शाप निष्फल सिद्ध होगा? नहीं पांडु, ऋषि किंदिम का शाप कदापि निष्फल नहीं होगा, परंतु तुम पिता बनोगे, ये भगवान शिव का निर्णय है।